तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। 3 दिन के बाद आज लाइब्रेरी में काम शुरू हुआ है। अनुपम तो नहीं आया आज, अनुपम ने 2 लड़के भेजे हैं, तो मैं जा कर के देखता हूँ कि क्या वो कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, स्लो स्लो आके काम बढ़ रहा है, पर चल रहा है, ठीक है। और मुझे जल्दबाजी नहीं है, अक्सर मुझे अपने काम को लेकर बहुत जल्दबाजी होती है, पर इस बार लाइब्रेरी को लेकर के जल्दबाजी नहीं है। ये फ़र्क है, इससे आपको एक सबक सीखने को मिलेगा कि भौतिकवादी होने में और एक सोशल कॉज के लिए काम करने में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ खोल रहा होता जहाँ से मुझे कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक फ़ायदा होना होता, तो मैं इस समय बहुत दबाव में काम करवा रहा होता इन लोगों से, और खुद दबाव में होता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, मेरे को मतलब मेरा तो ये जो भी खुलता यहाँ पर, मान लो कोई कैफ़े वगैरह, तो मेरा तो नुकसान हो गया, कब खुलेगा, जल्दी काम करो जल्दी काम करो, ये सब चल रहा होता। पर क्योंकि मुझे मालूम है कि यार यहाँ पर अब ये सोशल कॉज है, आपने 1 भी रुपए का आपने यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, कोई आपका प्रॉफिट इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सुकून से हो, काम भी धीरे धीरे चल रहा है और ठीक ठाक ही चल रहा है। और एक बात और आपको सबक सीखने को मिलेगा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जब शुरुआत में आज से साल भर पहले बात हुई थी कि आप, मैंने कहा था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खोलूँगा, तो मुझे लोगों ने बोला था कि अच्छा आप चाय कॉफ़ी फ्री में मत पिलाओ ना, लोग चाय कॉफ़ी का तो पेमेंट करेंगे, उससे ये होगा कि आपका कॉस्ट निकलेगा। तो मैंने उनको बोला था कि क्या होगा, यही जो अभी बात बोल रहा था मैं कि चाय कॉफ़ी के चक्कर में फिर मेरा दिमाग भौतिकवादी होगा, फिर वो ये हिसाब लगाएगा कि इसने कितने कप पी, कितने कप नहीं पी, या मैं, मेरे को प्रॉफिट कम आ रहा है, या ये जो है इतनी देर से बैठा और इसे सिर्फ 1 कप पी, मतलब या तो टोटल मटेरियलिस्टिक, क्योंकि मुझे बिज़नेस में कोई हरा नहीं सकता अगर मैं बिज़नेस करने पे आ जाऊँ, या फिर बिल्कुल नो इनकम नो बिलिंग कॉन्सेप्ट। तो बिज़नेस करना नहीं, अगर बिज़नेस करना होता तो मुझसे बेहतर बिज़नेस कोई नहीं कर सकता, मतलब अपने ग्रुप में मैं मानता हूँ ये। तो बिज़नेस रीज़न नहीं है, ये फ़र्क है। चलो आपको आगे घर दिखाते हैं नज़ारा। ये सामने युकी है, ये लोग भी भारी बैठे हुए हैं। वो भागने पे आया ना, इसको घसीटता हुआ ले जाएगा। ये बंद क्यों है? खाना खा के बैठे हैं अंदर, चाय पी रहे। आज 5वें दिन के गणपति का विसर्जन है ना, उस दिन 1.5 दिन का हुआ था, आज 5वें दिन का वो आज विसर्जन करेंगे, और परसों 7 दिन वालों का, परसों 7 दिन वालों का है, आज 5 दिन वालों का है, और 1.5 दिन वालों का भी परसों हुआ था। परसों नहीं, ये घास खा रहे, इसको खाने दे, इधर रख। आज मैं विसर्जन के लिए जाऊंगी, छोटी बेल्ट कर, हट। तो गोवा में भी गणपति उत्सव बहुत जोर शोर से चल रहा है, यहाँ का सबसे मेन फेस्टिवल है गोवा में गणपति, मतलब बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आज 5वें दिन के गणपति का विसर्जन है, परसों ये सामने जो घर देख रहे हो सिया का घर है, यहाँ 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन था जिसमें ये लोग गए थे, वो वीडियो आप लोगों ने पहल के चैनल पर देखा होगा। आज 5 दिन के गणपति का विसर्जन है, तो खनक जो पहल की फ्रेंड है उनके यहाँ पे शायद आज विसर्जन, खनक के गणपति 5 दिन के है तो उनका आज विसर्जन होगा। और ये जो यशिका के घर में 7 दिन के है ना, इस बार हमें तीनों देखने को मिल रहे, 1.5 दिन के भी 5 दिन के भी। जब तू उसको लेके भाग रही थी कोई आ रहा हो ना, तो बेल्ट छोटी करके साइड में खड़े हो जाकर, तू उतनी पूरी फुल बेल्ट लेकर के यहाँ खड़ी थी।
फोन कर दिया, वो वाईफाई नहीं चल रहा है। अच्छा वायर ठीक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आधे घंटे में होगा। जा कहाँ खनक के जा रही खेलने, वो पहले भाग के जाता है। देख इसको बढ़िया घास मिल गई खाने को यहीं पे, कितनी देर से घास खाए जा रहा है। हर बार सेम घास नहीं खाते, हर बार सेम घास नहीं खाते, कभी पतली वाली घास खाएंगे, कभी ऐसी घास खाएंगे, कभी मोटे मोटे पत्ते खाते हैं और कभी वो छोड़ देंगे। और हर घास नहीं खाते हैं ये, घास में भी वो अलग तरीके से खाते हैं, मतलब वो इनकी की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड घास खाते हैं। और इन्होंने तो MBBS भी नहीं किया। देख कितनी बढ़िया बर्ड बैठी है, छोटी सी इंजन के ऊपर। यहाँ पर स्पैरो नहीं दिखी ना अपने को, यही स्पैरो है। हाँ नहीं वो तो वाइट ब्लैक है, दोनों दोनों एक ही तो बर्ड है, एक आगे बैठी हुई है। स्पैरो ना एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया में दिल्ली की राजकीय पक्षी है, उस तरफ ज़्यादा पाई जाती है, दिल्ली यूपी वगैरह साइड में, पर उधर वो टावर की वजह से ना। ये स्कूटर तो उसका ही है अनुपम का। उसने बोला था ना इस फोन की खासियत क्या है ना कि अगर ये व्लॉगिंग टाइप के वीडियो भी आगे पीछे के वन कट में बन जाते हैं। इसको पकड़ के रख, मैं जरा अंदर देखता हूँ क्या कर रहे हैं, देखते अंदर क्या हुआ है, कितना हुआ है। हो गया खाना, ये शीशे की जगह छोड़ दी ना आपने, ठीक है। वेल्डिंग मशीन नहीं है, वेल्डिंग मशीन नहीं है वो यार, उधर पंखे की ना पत्ती लगानी थी, वो बिजली वाला भी काम इसलिए पेंडिंग है, उसका सामान वापस जाना है, वो भी नहीं हो पा रहा। अनुपम से बात नहीं हो रही। अच्छा ये YouTube पे जाएगा, YouTube पे जाएगा ये, ये नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, कोई बात नहीं आराम से करो आप, हो जाएगा, ठीक है। पानी है ना उसमें पीने का आप लोगों का, ठीक है, कुछ हो तो बाहर से आवाज़ मार देना, चाय पानी कुछ चाहिए। लगाई तो फिनिशिंग से चटाई, क्या हुआ, अरे वो आ जाएगा वापस अपने आप। बहुत डरते हैं डॉक्टर। कौन? ये ईशान गया इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, ये पहल के पीछे भागता है और वो लोग डरते हैं डॉगी से। अच्छा कुछ तो इतने फ्रेंडली होंगे और कुछ बिल्कुल डरते होंगे। देखिए यूके यूके छोड़ देना तुमने तो यार, हमेशा थोड़ी पकड़ के रखेंगे उसको, पत्थर मारेगी अपने भागेगा वो। उनके घर के बाहर खड़ा है, पहुंच गया वहां, वहां पहुंच गया उनके घर के बाहर। सिद्धि के पास गया था, सिद्धि कहती है मुझे माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं चटाई लगा तो फिनिशिंग से रहे हैं, वो कह रहे शाम को आएगा अनुपम हिसाब कर लेते हैं।
नहीं, वो कह रहे आज ही शाम को इस तरफ भी पूरा कंप्लीट कर देंगे, सामने की दो दीवारें रह जाएंगी। इसका मुंह क्यों बन रहा है, क्या हुआ? तो इसको ऐसे मार के पानी डाला करो ना। अब क्या करूं, है नहीं सिया, नहीं है, नहीं सिया तो गई है। तो फिर भी हम आएंगे 4 बजे, उसको 4 बजे खिलाने जाएंगे। इसको पकड़ के रखो और जब तक मैं नहीं सही जाती ना, ये देखता रहता है तुझे, मैं इधर कर रहा हूँ। इसका मुंह इधर देखो, देखो देखो, सब समझता है ये। देख लिया हमने, पर इसको घर नहीं मालूम होगा ना, किस घर में जाना है सब पता है। देख देख देख, छोड़ते ही भाग जाएगा ये। ये शहनाई, अच्छा ये शहनाई तो यही बजा रहा था जो भी गया था, पैसे मांग रहा था, मेरे पास थे ही नहीं। उधर क्या जाने में इतनी दिक्कत है, उसको भी एहसास नहीं है कि मेरे को छोड़ दो। गया, देख कितनी तेज भाग के जा रहा है, और पहल से तो उसकी कोई खास दोस्ती भी नहीं है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो चारों के साथ रहता है। अब मुझे कोई भी बाहर आएगा तो साथ आएगा। ढूंढ रहा है वो, गाड़ी के पास जा रहा है, यहाँ भी नहीं है। ढूंढ रहा है, अभी अंदर अंदर नहीं, पर उसको मालूम नहीं ना, खनक के घर तक नहीं जाएगा ना वो, चला जाएगा वो तो, उसको पता होगा तो जाएगा ना। स्मेल बड़ा तुमने शिकारी कुत्ता रखा हुआ है, तो दोस्तों लाइब्रेरी में चटाई लग रही है। चटाई मतलब वो एक बांस की जो चादर होती है उसको यहाँ पर चटाई बोलते हैं, तो वो हम लोग लगवा रहे हैं उस पर दीवारों पे। एक तो वो हीट वगैरह भी रोक के चलेगी, मतलब हीट वगैरह जो आएगी, क्योंकि वो सीमेंट की चादर है वो तपेगी, तो वो बांस की है वो उसको काफ़ी रोकेगी। उसके बीच में हम लोग थर्माकोल लगा के चल रहे हैं, और आ गया बहुत तेज़ी से वापस, इसको पहल मिली नहीं, पहल नहीं तो आज वो कह रहे दो दीवारों पे चटाई लग जाएगी। उसके ऊपर हमने कुछ 2 फुट बाई 4 फुट की जगह छोड़ी जहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाना है। वो इसलिए हमने लगाना है क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एक तो रोशनी नेचुरल लाइट आएगी अंदर, मतलब हमने मान लो कभी बारिश वगैरह आ रही है हमने बंद कर दिया तो नेचुरल लाइट और रोशनी आती रहेगी, और खड़े होने पर भी व्यू दिखेगा। नहीं तो ये जो खिड़कियां हमने बनाई हैं जो टेबल बन जाएंगी खुलने के बाद, तो ये सिर्फ बैठने पर आपको बाहर का व्यू देंगी, और वैसे खड़े होने पर आपको व्यू नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीशे लगने चाहिए, तो उतनी जगह छोड़ दिए चटाई से, बाकी शीशे लगेंगे। ये व्यू को कोई कैसे मिस कर सकता, देखो। जाम लग गया, जाम।
ये कुत्ता किसका भौंक रहा है? ये कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है ना अंदर से, वो किसका भौंक रहा है? या तो ब्राउनिश होगा या जो अभी घूम लिया ये चले। हम लोग जा रहे हैं, तू बैठ जा, 2 मिनट बाद आना, उसका भी मन हो जाएगा कि हाँ मैं बैठा। इसको सबसे पहले जानना होता है, देखो खड़ा है, जब से जाली लगी ना अब अंदर नहीं जा पाता, उसको मालूम है जाली लग गई है। प्लास्टिक वाली थी वो तो इसने सारी काट दी थी, फिर हमने अभी लोहे की जाली लगवाई है पूरी। पहले हमने गेट पे लगवाई, फिर ये यहाँ से आने जाने लगे। पहले तो ये हमने गेट पे लगवाई थी, इसने गेट की जाली सारी काट दी थी, फिर नई बात बनी, फिर ये पूरी जाली वहाँ नदी तक लगाई, क्योंकि वो पीछे से भी आ जाते हैं। आप देखो इसके चक्कर में काफ़ी खर्चा हो गया, मेरा एक आईफोन के चार्जर की तार के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक मेरा फ़ोन चबा डाला, पूरी स्क्रीन उसकी तोड़ डाली, मतलब एक फ़ोन को इसने चबा के तोड़ दिया, और एक इसने आईफोन की तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बैम्बू ट्री भी लगाना है वहाँ गेट पे, और ये है हमारी स्मोकी। अब आ गया, मैंने कहा था हम लोग जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब तो कैसे हंसता हुआ आ रहा है, तो चलो दोस्तों यहीं से वीडियो शुरू किया था, ये वाला 15-18 मिनट का हो गया। आपको लाइब्रेरी भी दिखा दी और खुद भी घूम लिए इस बहाने। क्या फेंका? पत्थर।